नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान, आज हम आए नौबतपुर में। जी हां, जहां धीरेन्द्र शास्त्री आज अपना कथा की शुरुआत करने वाले। सर, धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, पटना में आगमन हुआ है। लोग विरोध कर रहे थे कि पटना में आने नहीं देंगे, सर क्या कुछ कहिएगा उनके लिए? आ रहे हैं, देख लीजिएगा, राम भक्तों की देश माता ने अपनी पूरी सेना तैयार की थी रोकने के लिए, रोक नहीं पाए, क्या कुछ कहिएगा उस पे? सर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना जानता हूँ सनातन को जगाने के लिए बाबा आए। हमारे साथ आज है प्रदेश अध्यक्ष समराज चौधरी जी, कौन नहीं जानता है, बिहार में जाना माना चेहरा है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री पटना में आ चुके हैं, सर क्या कुछ कहिएगा सर लोगों के लिए जो विरोध कर रहे थे? जो विरोध कर रहे थे तो उनको तो पता ही चल गया कि पूरा अपार बिहार की जनता उनको सुनना चाहती है। उनके प्रवचन से जो एक पूरी तरह धार्मिक माहौल बनता है वो पूरी स्थिति बनेगी, और आज पूरे बिहार के लोग यहाँ जुटने का काम कर रहे हैं। विरोधी जो थे हमारे जो पार्टी के थे, आरजेडी वाले थे, तेज प्रताप ने अपनी पार्टी भी बनाई थी कि एयरपोर्ट से ही रोक लेंगे, बाबा को आने नहीं देंगे, उस पर क्या कहिएगा? अब ये सब तो बेफालतू बात ही है, बिहार या देश में कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए? सर नहीं, स्पष्ट है, बिहार में सबके साथ सबके विकास की बात करनी है और सभी धर्मों का सम्मान है। यहाँ यदि बाबा आज आए हैं तो बिहार की कल्याण की कामना करेंगे, इसलिए आए हैं, इसलिए बिहार का कल्याण हो इसकी चिंता ज्यादा करे कोई आदमी। तो देखा क्या कुछ कहा समराज चौधरी जी ने, उन्होंने कहा कि कोई विरोधी नहीं है, क्या ही कुछ कर लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पटना में आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है, अब देखें क्या होता है आगे। तब तक के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।